रैंडी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? आस मैडन के शो के ऊपर रैंडी ओटन ने केविन ओन्स की मदद करी और सोलो सिकोर टामा टोंगा की पूरी गुंडागर्दी निकाल दी। स्वागत आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों स्मैकडाउन का जो एपिसोड था ये काफी स्पेशल हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्ट होने वाला था रोमन रिंग्स कौन से ब्रांड पर देखने को मिलेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों मिस्टर मैन के बारे में बात करने वाले हैं, स्मैकडाउन के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम इसके वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। दोस्तों स्मैकडाउन के शो के अंदर सबसे पहले हमें बैकस्टेज पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, जहां पर पॉल हेमन इस चीज को बताते हैं कि रोमन रिंग्स के बारे में जितने भी रूमर्स अभी आ रहे थे, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि रोमन रिंग्स ने अपने आप को ड्राफ्ट से निकाल लिया है, रोमन रिंग्स ड्राफ्ट का पार्ट नहीं होने वाले। और ये चीज़ नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये चीज़ पॉजिटिव है। आप सभी मुझे ये बताइए कि रोमन रिंग्स ने ही पैडमिक एरा के अंदर यहाँ पर स्मैकडाउन को इतना ज़्यादा बिल्ड किया है, और जो रियल ट्राइबल शिप वो रोमन रिंग्स ही है। और अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स होने वाली है निक ऑल्डिस के लिए, कि ड्राफ्ट की जो पहली दो पिक होने वाली है वो रोमन रिंग्स के बाद कौन से सुपरस्टार होंगे। तो इस तरीके से पॉल हेमन ने स्टार्टिंग में ही ड्राफ्ट को हाइप कर दिया। शो की स्टार्टिंग दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के साथ देखने को मिलती है, जहाँ पर सबसे पहले एजे सेल्स आते हैं, इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं। और एजे सेल्स यहाँ पर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले एजे सेल्स यहाँ पर बोलते हैं कि मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जॉर्जिया के दो बॉयज यहाँ पर पहली बार बैकलैश के अंदर आमने सामने आने वाले हैं इस गोल्ड के लिए, इस WWE चैंपियनशिप के लिए। और इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ मैं एला नाइट की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए तुम लोग मुझे बूक कर रहे हो, रेसलमेनिया के अंदर मैं एला नाइट से हारा हूँ, लेकिन जब मुझे ये चीज़ पता चली कि मैं फिनोमिनल हूँ, तो इसके बाद मैंने कोडी रोड्स के साथ अपॉर्चुनिटी हासिल करी मैच रेसल करने के लिए। इसके बाद वो कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर वे बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनको सिखाया है कि तुम्हें एक चैंपियन बनना है, किस तरीके से तुम्हें ये चीज़ प्रूव करनी है। और कोडी रोड्स और एजे सेल्स के बारे में एजे सेल्स से बोलते हैं कि हमने इस चीज़ को प्रूव किया है आउटसाइड द WWE कि हम फिनोमिनल क्यों हैं, हम इतने अच्छे रेसलर्स क्यों हैं। इसके बाद एजे सेल्स से बोलते हैं कि ये सिर्फ एक बेल्ट नहीं है, ये एक बड़ा चैंपियनशिप है और इसको तुम संभालने के लिए अभी काबिल नहीं हो। इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट, और एजे सेल्स और कोडी रोड्स के बीच में आगे बातचीत शुरू होती है। यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि तुम्हें बैकलैश के अंदर ये पता चलने वाला है कि तुम्हारा जो मैच है मेरे साथ वो तुम हारने वाले हो। और इसके बाद दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, और एजे सेल्स से बताते हैं कि रेसलमेनिया 40 के अंदर तुमने अपनी स्टोरी तो फिनिश कर ली, लेकिन बैकलैश के अंदर तुम्हारा ये टाइटल रेन एंड होने वाला है, जो कि काफ़ी शेम की बात है। और इसके बाद यहाँ से एजे सेल्स चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जब कोडी रोड्स रैंप से जा रहे थे, तभी हमें ट्रिपल एच का सुनने को मिलता है, ट्रिपल एच यहां पर आते हैं। तो ट्रिपल एच बताते हैं कि कोडी रोड्स ड्राफ्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग चैंपियन जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो तुम स्मैकडाउन का हिस्सा रहने वाले हो और तुम मेरी हेल्प करो यहां पर राउंड वन के लिए, जो कि ड्राफ्ट होने वाला है। और यहां पर जो सुपरस्टार्स है उनको पिक किया जाता है राउंड वन के अंदर। दोस्तों यहां पर बियांका बिलेयर को स्मैकडाउन की तरफ से पिक किया जाता है। इसके बाद मेन इवेंट जे उसो है, स्मैकडाउन की तरफ हमें कार्मेलो हेम्स देखने को मिलते हैं, और रो यहाँ पर पिक करता है सेथ फ्रीकिंग रोलंस को। इतने में ही दोस्तों कार्मेलो हेम्स बाहर निकल कर आते हैं और वे कोडी रोड्स को सीधा ही यहाँ पर चैलेंज करते हैं एक मैच के लिए। और इसके बाद कोडी रोड्स भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, क्योंकि कोडी रोड्स तो डरते नहीं है। कोडी रोड्स ने सिंपली यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, और मेन इवेंट के लिए जो मैच है कार्मेलो हेम्स वर्सेज कोडी रोड्स के बीच में वो ऑफिशियली कन्फर्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों डेल्फेजमा वर्सेस LWO के बीच में हमें मैच देखने को मिलता है, जो कि टैग टीम मैच था। और इस मैच के अंदर दोस्तों रे मिस्टेरियो एंड ड्रैगन ली इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद यहां पर सेंटो एस्कोबार आते हैं और सेंटो एस्कोबार बताते हैं कि मैं रेसलमेनिया 40 के अंदर मैंने झूठ नहीं बोला था, ड्रैगन ली के ऊपर मैंने अटैक नहीं किया था, हमारे यहाँ पर हाथ में एक फुटेज आई है जहाँ पर हमको दिखता है कि कार्लिटो वे बंदे हैं जो कि ड्रैगन ली के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इसके बाद पीछे से कार्लिटो यहाँ पर ड्रैगन ली और रे मिस्टेरियो के ऊपर अटैक करते हैं, और वे क्राउड के जरिए से यहाँ पर बैरिकेड को कूद कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कार्लिटो का हील टर्न हो चुका है। इसके बाद हमें ब्रोन ब्रेकर वर्सेज सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच में मैच देखने को मिलता है। ब्रोन ब्रेकर यहाँ पर काफ़ी क्विकली तरीके से इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। सेकंड राउंड का दोस्तों ड्राफ्ट देखने को मिलता है, जहां पर स्मैकडाउन पिक करता है रैंडी ओर्टन को, रो पिक करता है ब्रोन ब्रेकर को, स्मैकडाउन पिक करता है नाया जैक्स को, और रो पिक करता है लिम मॉर्गन को। इसके बाद दोस्तों बैकस्टेज हमें
एसयूवी देखने को मिलती है जहां पर सोलो सिकोवा बाहर निकल कर आते हैं और वे पॉल हेमन से पूछते हैं कि पॉल हेमन ड्राफ्ट के अंदर अभी फिलहाल क्या हुआ है, ब्लड लाइन यहाँ पर किस ब्रांड का हिस्सा है। तो यहाँ पर पॉल हेमन बताते हैं कि रोमन रेंस ने तो अपने आप को ड्राफ्ट से बाहर निकाल लिया है, लेकिन अभी फिलहाल हम काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं क्योंकि तुम नए मेंबर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो ब्लड लाइन के अंदर। और इतने में दोस्तों पीछे से यहाँ पर केविन ओन्स, टामा टोंगा और सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन पीछे से जो ऑफिशियल्स हैं वो इनको ब्रेक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें रैंप के ऊपर बियांका ब्लेयर का इंटरव्यू देखने को मिलता है जहां पर बियांका ब्लेयर से पूछा जाता है कि बैकलैश के अंदर जो तुम्हारा टैग टीम मैच होने वाला है उसके बारे में तुम्हें कुछ बोलना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डैमेज कंट्रोल है वो भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टामा टोंगा है और सोलो सिको और केविन ओन्स है वो आपस में लड़ते हुए यहाँ पर रिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें जो सिक्योरिटीज़ है वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सोलो सिको और टामा टोंगा यहाँ पर सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी अटैक करते हैं और केविन ओन्स के ऊपर जो उनका अटैक है वो जारी रहता है। और इतने में दोस्तों रैंडी ओर्टन का म्यूजिक हिट होता है, रैंडी ओर्टन आकर यहाँ पर केविन ओन्स को सेव करते हैं, वो टामा टोंगा के ऊपर भी अटैक करते हैं, सोलो सिकोवा के ऊपर भी अटैक करते हैं। और इस तरीके से दोस्तों रैंडी ओर्टन यहाँ पर केविन ओन्स को सेव करते हैं और बैकलैश के लिए इनका जो टैग टीम मैच है वो भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसके बाद दोस्तों थर्ड राउंड का ड्राफ्ट पिक हमें देखने को मिलता है जहाँ पर स्मैकडाउन पिक करता है एला नाइट को, रो पिक करता है रिकोशे को और स्मैकडाउन पिक करता है यहाँ पर सोलो सिकोवा, टामा टोंगा एंड पॉल हेमन को। इसके बाद रो है वो पिक करता है यहाँ पर शेमिस को। इसके बाद दोस्तों नंबर वन कंटेंडर बनने के लिए हमें टिफनी वर्सेज नियोमी के बीच में मैच देखने को मिलता है और इस मैच के दौरान दोस्तों नाया जैक्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि बेली के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि बेली यहाँ पर आउटसाइड द रिंग बैठी हुई थी। इसके बाद नियोमी उनको बचाने के लिए आती है, लेकिन नियोमी के ऊपर भी नाया जैक्स हमला कर देती हैं और जो टिफनी है वो यहाँ पर फिर से नियोमी और बेली के ऊपर अपना जो अटैक है उसको जारी रखती है। दोस्तों इसके बाद हमें फोर्थ राउंड का ड्राफ्ट पिक देखने को मिलता है जहां पर स्मैकडाउन पिक करता है एजे सेल्स को, रो पिक करता है यहां पर चैट गेबल वाली टीम को, स्मैकडाउन पिक करता है अंड्राडे को और रो पिक करता है दोस्तों कियाना जेम्स को जो कि एनएक्सटी से काफी बड़ा कॉलअप था। इसके बाद दोस्तों यहां पर हमें मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है जो कि था कोडी रोड्स वर्सेज कार्मेलो हिम्स के बीच में। काफी एंटरटेनिंग मैच था, काफ़ी बढ़िया मैच हमें देखने को मिला। मूव्स आप सभी को पता है कि दोनों ही सुपरस्टार के कितने क्लासिक हैं। एंड में दोस्तों यहाँ पर जो कोडी रोड्स है वो अपना क्रॉस रोड्स लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एजे सेल्स आते हैं और एजे सेल्स और कोडी रोड्स का हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है और इस तरीके से हमें जो स्मैकडाउन का शो है ये ऑफ एयर देखने को मिलता है। दोस्तों इस तरीके से आज का हमें स्मैकडाउन का शो देखने को मिला। सीएम पंग को यहाँ पर एडवर्टाइज किया गया था, लेकिन सीएम पंग भाई स्मैकडाउन के शो के ऊपर तो हमें देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा दोस्तों आपसी को बताने के लिए यहाँ पर ये बात है कि मिस्टर मीमैन के जितने भी शेयर्स थे वो उन्होंने टीके ग्रुप को बेच दिए हैं और जब ये एक बार सेटल हो जाएंगे तो मिस्टर मीमैन का जो पत्ता है वो WWE कंपनी से हमेशा के लिए यहाँ पर कटने वाला है। फिर उनका कोई भी रोल WWE या टीके ग्रुप के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आज हमें सुबह सुबह ही सुनने को मिल जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर।